हम सब का ही लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, सबकी जिंदगी में बहुत ही भागदौड़ हो गई है और इसी भागदौड़ के चलते हम लोग अपने खान पान का उचित ध्यान नहीं रख सकते, जिस वजह से बहुत सी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। और कहने और सुनने में तो ये बीमारियां बहुत छोटी होती हैं, लेकिन कई बार ये छोटी छोटी बीमारियां जब हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते तो विकराल रूप धारण कर लेती हैं और जिस वजह से हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज का हमारा एपिसोड भी इसी पर ही है कि हम किस तरह से प्रॉपर डाइट लेकर अपने खान पान का उचित ध्यान रखकर अपने आप को सही रख सकते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में है उत्तरी भारत की फेमस डाइटिशियन डॉक्टर पूजा बंसल जी, जिनसे हम जानेंगे कि एक प्रॉपर डाइट लेकर किस तरह से हम अपने आप को सही रख सकते हैं। एक डायबिटीज के पेशेंट पे आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को डायबिटीज है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो आइए एक छोटी सी मुलाकात में हम जानेंगे डॉक्टर पूजा बंसल जी से कि एक डायबिटीज के पेशेंट को सिम्टम्स क्या होते हैं, जब शुरू होते हैं कि उनका डायबिटीज लेवल अप है या डाउन है। तो सबसे पहले हम मिलते हैं डॉक्टर पूजा बंसल जी से। पूजा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। तो पूजा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि डायबिटीज जैसे आम बीमारी हो चुकी है आजकल, कहने में बहुत इजी सा लगता है कि मुझे डायबिटीज है या शुगर है, लेकिन जितना छोटा नाम है उतनी ही ये भयानक सी बीमारी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स कैसे पता चलता है कि डायबिटिक है। सबसे पहले तो डायबिटिक जो पर्सन होते हैं ये जेनेटिक भी होती है कुछ लोगों में, जैसे पेरेंट्स में है, मम्मी को, पापा को, ब्रदर को, सिस्टर को, जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जेनेटिक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ओबेसिटी इसका मेन कॉज है। अगर आपके पास मोटापा है तो आप डायबिटिक हो सकते हैं। तो और इसके जो सिम्टम्स हैं, जैसे हमें पता चलता है कि अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसके पैरों में कोई इचिंग बर्निंग सेंसेशन हो रही है, सो उसको प्रॉपर नींद नहीं आती है, किसी तरह से कोई घबराहट हो रही है, ये सब शुगर के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो डायबिटीज के टाइप्स भी होते हैं, अलग अलग तरह के भी होते हैं। हाँ, डायबिटीज हम टू टाइप्स में कह सकते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज है उसमें हम कह सकते हैं कि जो सीधी भाषा में सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो टाइप 1 में इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है पेशेंट और टाइप 2 में वो मेडिसिंस के ऊपर रहता है। इंसुलिन में वो उसको रेगुलरली लेना पड़ता है। रेगुलर इंसुलिन लेने वाले पेशेंट्स काफी टाइम हम देखते हैं कि वो काफी डिप्रेशन में भी रहते हैं, कि उन लोगों को ये लगता है कि हमें अगर कुछ भी खाना है तो एक पहले निडल प्रिक करना ही होगा। इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स चाहे तो वो अपना इंसुलिन बंद कर सकते हैं, अगर वो प्रॉपर डाइट लेते हैं तो इंसुलिन उनका बंद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो पूजा जी, छोटे बच्चों में भी डायबिटीज हो सकती है? हाँ, छोटे बच्चों में अक्सर जो डायबिटीज होती है वो टाइप 1 ही होती है। टाइप 1 डायबिटिक हमेशा हम देखते हैं कि बच्चों में अमूमन हो जाती है। अब ओबेसिटी है बच्चों में या उनका जो रोज का जो लाइफस्टाइल है, बहुत सारे बच्चे पहले आउटडोर गेम्स खेलते थे, अब जो है कि आउटडोर गेम्स बहुत कम रह गई हैं, वो कंप्यूटर के आगे, मोबाइल्स के आगे, वो सब इन सब चीज़ों के अंदर अपने आप को बिजी रखते हैं। बैठे रहने से हम कह देते हैं कि बॉडी के अंदर उनका इंसुलिन लेवल जो है वो प्रॉपर नहीं रहता है, इस कारण से भी उनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है और वो इंसुलिन के ऊपर रहते हैं और लाइफ लॉन्ग रहते हैं। कई बार ऐसी धारणा है, मतलब कि मेरी खुद की सोच भी, कई बार लोग टोकते भी हैं कि ज्यादा मीठा खाने से भी डायबिटीज होती है, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती है। मीठा तो सभी खाते हैं, कहते हैं कि अगर हम ज्यादा मीठा खाएंगे तो नहीं रहने तो शुगर हो जाएगी। नहीं, जो ऑलरेडी डायबिटिक है वो मीठा खाते हैं तो उनको कह सकते हैं कि आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा, लेकिन मीठा खाने से शुगर किसी को नहीं होती है। ठीक है, कई बार जैसे प्रेगनेंसी में भी लेडीज को डायबिटीज हो जाती है, तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? सबसे पहले तो आप देखिए, आप कहेंगे कि मैडम डाइटिशियन है तो सभी चीज़ों को डाइट से रिलेट करती हैं, प्रेगनेंसी में भी हम तो यही कहते हैं कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही डाइट के ऊपर आए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स, अगर आप तीनों ट्राइमेस्टर्स में अगर प्रॉपर डाइट और बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट के ऊपर रहते हैं तो आपको डायबिटीज नहीं होती है। और अगर आपका शुगर लेवल अप हो भी गया है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी में ज़्यादातर उनको इंसुलिन पे रखना पड़ता है। और अगर प्रेगनेंसी में हम इस चीज़ का प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो आपका जो बच्चा है वो पेट में ही ब्लाइंड हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उसको पेट में ही हो सकती हैं।
बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ डायबिटीज की वजह से कुछ और डिजीज भी हो जाती हैं या डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? हाँ, डायबिटीज के साइड इफेक्ट सबसे पहले तो अगर किसी का शुगर लेवल अप हो जाए तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि उसका आई साइट, हर एक डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपका विजन कैसा है, दिखने में कोई ब्लरिंग तो नहीं है, क्योंकि रेटिनल साइड इफेक्ट आता है उसमें और आपके रेटिना के ऊपर ब्लड की स्कारिंग है, ब्लड लीकेज है, वो सब हो सकता है। और उसके बाद हम कह सकते हैं वो किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट बहुत टफेस्ट है और सबसे पहले उसके लिए डोनर ढूंढना बहुत टफेस्ट है, तो किडनी का भी इसी से ही रिलेट करता है। हार्ट पेशेंट्स हैं, अगर उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो वो भी हार्ट डिजीज काफ़ी हायर लेवल पे चला जाता है, तो डायबिटीज के साइड इफेक्ट तो हैं बहुत है। जैसा कि आप एक डाइटिशियन हैं तो सबसे मेन बात तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसको कैसी डाइट लेनी चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को उसमें कट एंड प्लस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ कि आप खाने के टाइम पे अपना मन मत मारो, आपको जो खाने का मन करता है आप खा सकते हैं। तो ऐसे ही शुगर के मरीज को हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि जो खाने का मन करता है वो खा लो, लेकिन अगर वो डेली मॉर्निंग वॉक कर रहा है, डेली वो एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दे रहा है, आप उसकी बॉडी की अगर एक्टिविटीज़ अच्छी हैं तो हफ्ते में दो बार हम उसको भी मीठा अलाउड कर सकते हैं, और कह सकते हैं उसको अपना आटा चेंज करना चाहिए, कुछ फाइबर चपातीज वगैरह वो खा सकते हैं, मल्टीग्रेन बिस्किट्स खा सकते हैं। और जहाँ तक मीठा और फीके का सवाल है तो नेचुरल शुगर के तौर पे हम स्टीविया एक प्लांट है वो हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपका फिर भी मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ चाय, दूध, मीठा, खीर, हलवा, आइसक्रीम इवन वो भी खाने का मन कर रहा है तो आप स्टीविया ऐड करके खा सकते हैं, उससे आपका शुगर लेवल अप नहीं होता और आपकी टंग को, टेस्ट बड्स को एक मीठा खाने को मिल रहा है। तो जैसे आपने बताया खीर और हलवा, मान लो वो तो मोस्टली घर में मीठे ही बनते हैं, उस मीठे बने बनाए में हम वो प्लांट डाल के फीका बनाएंगे, पहले आप उनके लिए एक बाउल आप अलग से निकाल लें और उसमें स्टीविया ऐड कर दें। स्टीविया बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में, लीव्स फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, तो वो ले सकते हैं। ठीक है पूजा जी, कई बार ऐसा होता है कि अब कई पेशेंट होते हैं, कई लोग होते हैं भी आपसे मिलना चाहें तो वो आपको कहाँ मिले, पर्सनली मिलना चाहते हैं कई? पर्सनली मिलना चाहें, अगर वो पर्सनली मिलना चाहें तो मेरे डाइट क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, मैं अपने डाइट क्लिनिक पे उनको मोस्ट वेलकम मैं इनवाइट करना चाहूँगी। स्लिम फिट डाइट केयर के नाम से मेरा क्लिनिक है सिरसा में, सिरसा हरियाणा, 110A ब्लॉक, 110A ब्लॉक, बिहाइंड यूको बैंक, अनाज मंडी, तो वो मेरे पास आ सकते हैं। थैंक यू मैम, और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर बता दें हमारे व्यूअर्स को तो और भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ओके, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई नोट करना चाहे तो कर सकते हैं 9468375040, यही व्हाट्सएप नंबर है, यही कॉन्टैक्ट नंबर है, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ 9468375040। थैंक यू पूजा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे लिए वक्त निकाला, और खासकर जो आप हमारे लिए रोज नई नई चीजें लेकर आते हैं, हमें जानकारी देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूअर्स को हमें खुशखबरी दे दे कि अब हम वीकली एपिसोड बनाया करेंगे, आपको डिजीज के अकॉर्डिंग आपकी डाइट प्लान आपको बताएंगे, उससे बचने के उपाय बताएंगे, किस तरह से आप अपने खाने पीने का ध्यान रखकर अपने आप को सही रख सकते हैं। तो अगले एपिसोड में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।